हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, आज हम लोग देखेंगे अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं। देखिए, ये वीडियो सिर्फ एसएससी जेईई वालों के लिए नहीं है, जो भी अब जिसी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, सब डिपार्टमेंट में आपको अटेस्टेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है ज्वाइनिंग से पहले। पहले तो आप समझ लीजिए अटेस्टेशन फॉर्म होता क्या है। देखिए, डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पूछते हैं कि आपका घर पता हो गया, अपने स्टार्टिंग वगैरह जो है, अपने स्कूलिंग हो गया, कॉलेज हो गया, कहाँ से किया आपने, आपका मम्मी पापा का नाम वगैरह, उनका बर्थ प्लेस कहाँ पर था, सब कुछ बेसिक डिटेल्स वो जो है अटेस्टेशन फॉर्म के जो है इसी के द्वारा जो है वो लोग पूछते हैं, और आपको ये बेसिक डिटेल्स फिल भी करना होता है। जब तक आप ज्वाइनिंग करेंगे, जब तक डिपार्टमेंट में पूरा सर्विस करेंगे, तब तक ये अटेस्टेशन फॉर्म डिपार्टमेंट के पास होल लाइफ के लिए आपका रह जाता है। तो अटेस्टेशन फॉर्म सही से फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हो जाता है आपके लिए, और यहाँ पर आपको सही से सब कुछ इन्फॉर्मेशन भी देना पड़ता है। तो पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, देखिए आप लोग को मुझे पता है कि अच्छा खासा नॉलेज है, लेकिन फिर भी मैं गाइडेंस के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। पहले तो यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है, जो आपका एसएससी का रोल नंबर है वही वाला रोल नंबर है यहाँ पर डालना है। अगर रोल नंबर की जगह आपके अटेस्टेशन फॉर्म में है तभी डालिएगा, अगर नहीं है तो डालने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जैसे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है एफएक्स साइन पासपोर्ट साइज कॉपी ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ। हालांकि यहाँ पर साइज़ है तो पर साइज़ पर मत जाइए, पासपोर्ट फोटोग्राफ होने से चल जाएगा, पासपोर्ट साइज़ का होने से चल जाएगा, बट कलर होना चाहिए और रिसेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दो साल पुराना आप यूज़ करेंगे, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि जो आपने एसएससी में यूज़ किया था या डीवी में यूज़ किया था वही यहाँ पर देना है। बस आपका फेस अगर मैच करता है तो भाई जो आप रिसेंट है रिसेंट वाला दे दीजिए, दो तीन महीना पुराना है तब भी चल जाएगा, लेकिन एक दो साल पुराना बिल्कुल मत दीजिए। और देखिए, जब ज्वाइन करेंगे तब भी आपसे 10 कॉपी जो है वो लोग डिपार्टमेंट आपसे मांगेंगे, तो अभी से जो है फोटो वगैरह खिंचा लीजिए, बाद में काम आएगा। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आप चिपकाएंगे, उसके बाद यहाँ पर साइन करना है, यहाँ पर जो भी आपका नेम वगैरह है यहाँ पर पूरा यहाँ पर आपका साइन करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ वार्निंग वगैरह है, वार्निंग वगैरह पढ़ लेना, जैसे आप कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपको जॉब से निकाला जाएगा। कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, आप जहाँ पर जॉब करते थे, कोई अगर नोटिस वगैरह आया है, अरेस्टेड वगैरह केस वगैरह आप में हुआ है, तो भी आपका जॉब जा सकते हैं, वही वार्निंग वगैरह यहाँ पर कहा गया है। अब यहाँ पर नेम वगैरह डालना है। देखिए, फर्स्ट पे आपको नेम डालना है, यहाँ पर लिखा है नेम इन फुल, मतलब फुल नेम लिखना है, इन ब्लॉक और कैपिटल लेटर। यहाँ पर कहा गया है प्लीज़ इंडिकेट इफ़ यू हैव एडेड और ड्रॉफ्ट एट एनी स्टेज एनी पार्ट ऑफ योर नेम और सर नेम, मतलब अगर कोई भी स्टेज पे अपने अगर नाम वगैरह कुछ चेंजेस वगैरह या कुछ मिस्टेक वगैरह हुआ है तो आप यहाँ पर उसको जो है सही कर सकते हैं, मेंशन कर दीजिएगा कि हाँ चलो मैं टायर टू टायर वन में मैंने ऐसे कुछ गलती हो गया था। और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर नाम, पूरा नाम आपका लिखना है, और सर नेम जो है यहाँ पर लिखना है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा मत करना कि यहाँ पर आपने नेम लिख दिया और यहाँ पर सर नेम लिख दिया, ये गलती मत करना। और कैपिटल लेटर में लिखना है, ब्लैक ब्लू बॉल पेन यूज़ करना है, जेल पेन यूज़ मत कीजिए, जो भी पेन आपको अच्छा लगे यूज़ कीजिए, लेकिन बॉल पेन यूज़ कीजिए, जेल पेन बिल्कुल मत कीजिए, ब्लैक और ब्लू यूज़ कीजिएगा, रेड भी नहीं। उसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट लाइन पे देख सकते हैं प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर कहा गया है। भाई प्रेजेंट आप जहाँ पर आप रेसिडेंस है, अभी अभी जहाँ पर आप है उसी एरिया का एड्रेस देना है, क्योंकि इसी एड्रेस पे आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू होगा। तो जो लोग सोच रहे थे कि डीवी के टाइम एड्रेस वगैरह मैंने गलत फिल कर दिया था, अब मेरा क्या होगा, ज्वाइनिंग लेटर कहाँ पर आएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी एड्रेस पे जो है ज़्यादातर आता है, जो अटेस्टेशन फॉर्म में आप लोग एड्रेस देते हैं उसी एड्रेस पर वो लोग जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर जो है आपको भेजते हैं। तो ये वाला एड्रेस जो है सही से देना, जो आपका करेंट एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है या पोस्टल एड्रेस है, वही वाला एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है। देखिए क्या क्या आपको मैंडेटरी है, जैसे विलेज थाने यानी कि पुलिस स्टेशन हो गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हो गया, हाउस नंबर हो गया, लेन हो गया, ये सब आपको डालना है, स्टेट वगैरह और फ़ोन नंबर, अगर मोबाइल नंबर आपका जगह रहेगा तो मोबाइल नंबर भी डाल देना, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो लोग आपसे कंटेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए होम एड्रेस, होम एड्रेस या परमानेंट एड्रेस सेम है, मतलब परमानेंट एड्रेस को होम एड्रेस कहा जाता है। जैसे बहुत सारे क्या होता है, मान लीजिए आपके मम्मी पापा दूसरे स्टेट में जॉब करते हैं और आपका घर जो है दूसरे स्टेट में है, तो भाई आपका करस्पॉन्डेंस या आपका पोस्टल एड्रेस अलग होता है और आपका परमानेंट एड्रेस अलग होता है या होम एड्रेस अलग होता है। तो इसीलिए अगर एड्रेस अलग है तो जो एड्रेस आपका घर का है वो एड्रेस डालना है। और मान लीजिए अगर सेम है, अगर यही वाला एड्रेस है, तो यहाँ पर आप डू यूज़ कर सकते हैं, डू लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है इफ़ ओरिजिनली ए रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान से कोई रेसिडेंस नहीं होगा, लेकिन अगर है तो भाई यहाँ पर एड्रेस डालना है, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल यानी कि एन डॉट ए आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एन डॉट ए आप लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज पर देखिए, यहाँ पर कहा गया है पर्टिकुलर ऑफ प्लेस
वेयर यू हैव रेसिडेड फॉर मोर देन वन ईयर्स एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग फाइव ईयर्स, मतलब लास्ट फाइव ईयर्स में आपने अगर कहीं पर एक साल या एक साल से ज़्यादा आपने रहे, मतलब आप वहाँ पर स्टे किए हैं आपने, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बीटेक या एमटेक के लिए आउट ऑफ स्टेट जाते हैं या आउट ऑफ सिटी जाते हैं, तो यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करना है, यहाँ पर जो है फॉर्म से लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर टू, लेकिन ये ध्यान रखना 21 साल के बाद, 21 साल उम्र के बाद अगर आप जाते हैं कहीं पर तब यहाँ पर मेंशन करना है, यहाँ पर वो जो है साल मेंशन करना है, देखिए कब से कब, उसके बाद जो एड्रेस जहाँ पर आप रहते थे, जहाँ पर आपका कॉलेज वगैरह थे, यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इसी एड्रेस का डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर, मतलब स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट दे देना यहाँ पर पूरा डिटेल्स। और उसके बाद मान लीजिए कि दूसरे मतलब 2019 के बाद भी आपने कहीं पर गए थे तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, तो एक एक करके फिल कर देना। और अगर मान लीजिए आपका कहीं पर आप नहीं गए थे तब यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल लिख देना, ऐसे करके पूरा लिख देना नॉट एप्लीकेबल, ऐसे करके क्रॉस कर देना पूरा, और अगर है तब आपको ऐसे करके फिल करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पैरा पर चलते हैं। ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन CPWD ने आपके साथ गलत किया है, बहुत कम स्पेस दिया है। तो चलिए यहाँ पर कैसे फिल करना है, देखिए अगर आपने अभी तक प्रिंट आउट नहीं किया है तो एक बार साइज जो है बढ़ा के देख लीजिए, मतलब जो रिसाइज होता है, जो परसेंटेज होता है उसको 100% से लेके 125 करके देखिए कि यहाँ पर जो स्पेस जो है बढ़ जाएगा थोड़ा सा, या लीगल पेपर से भी आप जो है प्रिंट आउट कर सकते हैं, तो एक बार देख लीजिए, अगर बड़ा पॉसिबल है तो जो है बड़ा कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए फादर्स का नाम लिखना है, यहाँ पर देखिए जैसे मेरा फादर्स का नाम मान लीजिए दीपक रॉय है, और एक्चुअली यहाँ पर लिखने का जगह यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जगह ना होने के कारण जो है आपको यहाँ पर लिखना हो रहा है, और आपको रेसिडेंस पर लिखना है इंडियन, सॉरी आपको नेशनलिटी पर लिखना है इंडियन। और उसके बाद सेम चीज़ माता जी का नाम, मदर्स नेम दीपा रॉय मान लीजिए, और आपका नेशनलिटी जो है इंडियन। यहाँ पर डाउट आ रहा था कि भाई बाय बर्थ और बाय डोमिसियल, तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, डोमिसियल को जो है यहाँ पर कर सकते हैं, तो बाय बर्थ आपको सबके लिए हो जाएगा, तो ये आप ए एफ काम जो है कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट का पिताजी जो है मान लीजिए कि इसका डेथ हो गया, मतलब मर गए हैं, वो अभी इस दुनिया पर नहीं है, तो इसके लिए जो है आप यहाँ पर नाम के आगे लेट लिख सकते हैं। उसके बाद जो है उसका बर्थ प्लेस, सॉरी प्लेस ऑफ बर्थ जो है आपका पिताजी का कहाँ पर है, जहाँ पर भी आपका पिताजी का जन्म हुआ है उसी जन्म स्थान को देना है। आपका माताजी का भी सेम चीज़ है, मतलब मम्मी का भी सेम चीज़ है, जहाँ पर भी बर्थ प्लेस है उसी प्लेस में डालना है। अगर मान लीजिए सेम प्लेस होता है तो डू लिखेंगे, अगर मान लीजिए कि मम्मी जी आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट, मतलब दूसरे गाँव का, दूसरे सिटी का होगा, तब आपको दूसरा सिटी यहाँ पर डालना है। अब उसके बाद क्या करते हैं आपका पिताजी, तो यहाँ पर अगर बिजनेस है तो बिजनेस, अगर सर्विसमैन है तो वो लिखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, अगर एक सर्विसमैन है, सॉरी आपका रिटायर्ड पर्सन है तो आप लिख सकते हैं रिटायर्ड पर्सन या सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉयर, ये भी लिख सकते हैं, मतलब जो मन चाहे आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि अगर कुछ उल्टा सीधा लिख देंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं, मतलब आप जो आपको अच्छा लगे, रिटायर्ड पर्सन लिख सकते हैं, हाँ आप लिख सकते हैं कि आपका रिटायर्ड एक्स एम्प्लॉय लिख सकते हैं, या आपका एक्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख सकते हैं, रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख सकते हैं, जो आपका पिताजी करते हैं वही आपको डालना है। उसके बाद मम्मी के यहाँ पर भी सेम चीज़ जो है, जो करते हैं जैसे हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, अगर जॉब करते हैं तो जॉब, अब कहाँ पर जॉब करते हैं, मतलब जो पापा जो है जहाँ पर रहते हैं उसका एड्रेस देना है, अगर मान लीजिए कि सेम एड्रेस है मम्मी और पापा का तो सेम यहाँ पर डू लिखना है। और अगर मान लीजिए होम और मतलब जहाँ पर जॉब करते हैं या जहाँ पर बिजनेस करते हैं और होम एड्रेस भी सेम है तब यहाँ पर डू लिखना है, वरना जो एड्रेस अलग होगा तो अलग अलग यहाँ पर लिखना है, मतलब यहाँ पर भी सेम चीज़ आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस, मतलब अलग अलग आपको लिखना है, लेकिन अगर सेम है तो डू से काम चल जाएगा। अब ए वाला करा पे आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विथ रिगार्ड टू स्वान एंड डॉटर, मतलब ये तो आपको नहीं होगा क्योंकि जो आपका स्वान एंड डॉटर अगर फॉरेन कंट्री में पढ़ते हैं स्टडी के लिए गए हैं तो यहाँ पर उसका डिटेल्स देना पड़ेगा, हालांकि नॉर्मली नहीं पॉसिबल है क्योंकि फॉरेन में जाने के लिए भाई 21-22 साल उम्र हो जाएगा आपका बेबी का, मतलब बच्चे का, तो उतना तो आपका भी आप लोगों का एज 21-22 साल है, तो यहाँ पर तो भाई नॉट एप्लीकेबल लिख देना ऐसे करके, और अगर होगा तो आप डिटेल्स फिल कर देना। अब जो है नेशनलिटी, देखिए आपका नेशनलिटी पूछा गया है, इंडियन लिखना है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट पर आएंगे, देखिए डेट ऑफ बर्थ आपका लिखना है, देखिए जो डेट ऑफ बर्थ आपका सर्टिफिकेट में मेंशन है, ऐसा नहीं कि आपका ओरिजिनल अलग है सर्टिफिकेट में अलग है, बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि ओरिजिनल अलग है और सर्टिफिकेट में अलग होता है, तो जो सर्टिफिकेट में है वही डालना है। अब देखिए प्रेजेंट एज,
प्रेजेंट एज आपका कितना है। देखिए आप जो है मान लीजिए मेरा जन्मदिन है 1/1/2000 साल का, और आज जो है 2021 27 फरवरी है, तो आपका जो रूल्स है कि आपको आज की डेट के अनुसार जो है आपको डालना पड़ता है, तो इसी के लिए अब 21 ईयर्स 1 मंथ 27 दिन हो गया है, एज ऑन लिखना है, एज ऑन 27 मतलब आज की डेट के अनुसार जो है आपका डेट आपका उम्र जो है इतना हो रहा है। लेकिन आपका ये चीज़ तभी लिखना होता है जब आपका ज्वाइनिंग साथ ही साथ होता है। अभी तो आपको पता नहीं है कि ज्वाइनिंग कब है, क्योंकि ज्वाइनिंग के दिन से आपका जो है सर्विस पीरियड कितना है, मतलब आपका सर्विस कितना होगा, 35 ईयर्स का होता है किसी का 30 ईयर्स होता है, मतलब टोटल 60 ईयर्स तक आप जॉब करेंगे, तो आपका जो ज्वाइनिंग डेट से काउंट होता है और आपका जो है एज से काउंट होता है, तो इसीलिए लिखना होता है। तो आप जो है या तो मेरे तरफ से लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है, नहीं तो आप लिख सकते हैं 21 प्लस ये भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो वाला आप लिख देना। उसके बाद एज एट मैट्रिकुलेशन मतलब क्लास 10 पे आपका एज कितना था, हालांकि 15-16 का होता है, तो जो भी आपका उम्र था आप लिख देना। उसके बाद जो है प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन व्हिच सिचुएटेड मतलब आप जहाँ से बिलोंग्स करते हैं यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स लिख देना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू व्हिच यू बिलोंग्स जहाँ से बिलोंग्स करते हैं उसका डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, सेम चीज़ यहाँ पर पापा जी का भी शायद है, देखिए डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू व्हिच योर फादर्स ओरिजिनली बिलोंग्स, ये सब बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है। जैसे मान लीजिए आपका पापा जी बिहार से बिलोंग्स करते हैं लेकिन जॉब के कारण पापा जी जो है यूपी में अभी रह रहे हैं और आपका जन्म भी यूपी में हुआ था, तब आपका यहाँ पर तो यूपी होगा लेकिन आपका पापा जी के यहाँ पर जो है आपको बिहार लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका पापा जी का जन्म तो बिहार में हुआ था ना, इसीलिए आपको यहाँ पर बिहार लिखना पड़ेगा, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है रिलीजन पर जो आपका रिलीजन है आप लिख देना यहाँ पर, जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, जो भी है आप लिख देना। उसके बाद एससी एसटी ओबीसी से अगर बिलोंग्स करते हैं तो यहाँ पर येस और नो लिखना है, अगर येस है तो येस, अगर नो है तो नो, जो है आपको यहाँ पर टिक करना है। और अगर मान लीजिए आप जनरल है तो भाई नो लिख देना, ईडब्ल्यूएस का भी अभी तो भाई कुछ यहाँ पर नहीं है तो आपको नो ही लिखना होगा, अगर यहाँ पर कुछ मेंशन होता है ईडब्ल्यूएस के लिए तब आपको येस लिखना होता, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है तो आपको नो लिखना होगा। अब चलिए स्कूलिंग या स्टडी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर डालना है। देखिए 15 साल के बाद जो भी आपने स्कूलिंग वगैरह किया है उसका डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है। तो जैसे क्लास 10th आपने कहाँ से किया है, मान लीजिए स्कूल का नाम यहाँ पर रामपुर हाई स्कूल, यहाँ पर उसका एड्रेस, जितना एड्रेस आपका जगह में होगा उतना ही डालना, उससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ए वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ एंटरिंग, ये किस डेट में आपने एडमिशन लिया था, देखिए एडमिशन की डेट यहाँ पर डालना है। हालांकि डेट आपको याद नहीं होगा, अगर स्कूल आपके नज़दीक है तो स्कूल में जाइए और उनसे कहिए कि हाँ इस साल में मैंने मैट्रिकुलेशन या क्लास 10 क्वालिफाई किया था, वो लोग रजिस्टर कॉपी निकल के आपका डेट ऑफ एडमिशन निकल के दे देंगे। अगर मान लीजिए आपका स्कूल दूर है तो एटलीस्ट आपका अगर मंथ याद है तो मंथ डाल देना, अगर वो भी याद नहीं है तो आपका जो है साल कम से कम डाल देना, साल तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम स्कूल में वो लोग जाते हैं और पूछते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट जो है आपके स्कूल से स्कूलिंग वगैरह किया था, क्लास 10 वगैरह किया था या नहीं पूछते हैं, तो इसलिए डिटेल्स देना ज़रूरी है। यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी कर दिया डेट, देखिए मेंशन भी कर दिया, उन्होंने ये नहीं पूछा कि ईयर्स पूछा, उन्होंने डेट ऑफ एंट्रिंग पूछा है। अब डेट ऑफ लिविंग तो मिल जाएगा, क्लास 10 का जो सर्टिफिकेट आया था, जो रिजल्ट आया था उसमें एक डेट होता है, तो वो डेट आपको डालना है यहाँ पर, यहाँ उसी डेट में मैंने लिविंग किया था, और यहाँ पर एग्जामिनेशन का नाम क्लास 10 लिखना है। अब अगर सेम स्कूल है तो डू लिख सकते हैं, अगर अलग स्कूल है क्लास 12 का तो अलग आप लिख सकते हैं। अब डेट ऑफ एंटरिंग यहाँ पर भी सेम चीज़ है, अगर आपके पास है तो भाई लिख दीजिए, अगर नहीं है तो ऐसे करके स्कूल से पता कीजिए, और यहाँ पर जो है 12 का जो सर्टिफिकेट है उससे आपको डेट ऑफ लिविंग मिल जाएगा। अब बीटेक आपने जहाँ से किया है, अब बीटेक का भी सेम चीज़ जो है आप डिटेल्स एक एक करके फिल कर देना। एमटेक पॉलिटेक्निक जो भी आपने डिग्री किया है सब कुछ यहाँ पर फिल करना होगा, और सेम प्रोसेस है। अब चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डाउट हो रहा है आरआरबी वाले बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट जो है आरआरबी में अभी जॉब कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इसको कैसे फिल करना है। देखिए मैं पहले क्लियर करना चाहूँगा ये जगह, देखिए मेरा ओपिनियन बोल रहा हूँ, अब डिसीजन आपका है और आप जो है दूसरे सीनियर से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, बस मैं मेरा ओपिनियन बता सकता हूँ, अब आपको लेना है नहीं है वो आपके ऊपर है। देखिए यहाँ पर जिनके पास एनओसी है वही लोग मेरे हिसाब से ये फॉर्म फिलअप कीजिएगा, जिनके पास एनओसी होगा या बाद में मिलेगा या एनओसी है ऑलरेडी वही लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा। देखिए फॉर्म क्या लिखना है, जिस डेट पे आपने ज्वाइनिंग किया था उसका डेट डालना है, टू, अब टू पर क्या डालना है, अगर एनओसी मिल गया है आपको जो एनओसी का डेट है वो डाल सकते हैं,
नहीं तो अगर आपने अभी तक रिजाइन वगैरह नहीं किया है, आप बाद में करेंगे, तो यहाँ पर टिल डेट लिख सकते हैं, टिल डेट ये वाला आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर रिजाइन वगैरह के लिए आपने लेटर एप्लीकेशन दिया है तो उसका जो डेट है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास NOC नहीं है तो आपको आप क्या करेंगे भाई, अगर यहाँ पर डिटेल्स देंगे तो वो लोग आपको ज़रूर NOC मांगेंगे। अब NOC आप तो अगर डिपार्टमेंट आपको नहीं देंगे, RRB तो नहीं देंगे कि आपका सेम ग्रेड पे है, और आपका सेम ग्रेड पे कभी कभी दे देते हैं, कभी कभी वो लोग नहीं देते हैं। हालांकि रूल्स कहते हैं कि हाँ सेम ग्रेड पे भी दे दिया जाता है, और नीचे का नहीं दिया जाएगा, ऊपर का दिया जाता है, सेम ग्रेड पे भी दिया जाएगा अगर बेटर जॉब होगा तो, मतलब बेटर अपॉर्चुनिटी होगा तो यहाँ पर देना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं देता है तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अब नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, तो अगर आपने, हालांकि वीडियो में बताना तो नहीं चाहिए कि ये तो एक्चुअली एक क्राइम है, एक्चुअली एक क्राइम कहा जाता है कि अगर आप कुछ डिटेल्स हाइड करेंगे तो एक्चुअली क्राइम है। तो डिटेल्स आप लोग अगर नहीं देंगे तो भाई क्राइम कर रहे हैं, जो कि आपका रिस्क होगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए NOC नहीं है तो आपको यही आपके पास ऑप्शन है कि अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जब डिपार्टमेंट में जाएंगे, डिपार्टमेंट अटेस्टेशन फॉर्म फिर से मेरी आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, तब आपसे पूछेंगे कि भाई आप जॉब वगैरह करते थे या नहीं, आप बोल देना कि भाई जॉब नहीं करता था, ऐसे बोल, हालांकि नहीं पूछेंगे लेकिन आपके अटेस्टेशन फॉर्म से हो सकता है कि वो लोग देखे यार पूछे आपसे। अब प्रॉब्लम आएगा NPS के टाइम, जब नेशनल पेंशन स्कीम होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट का NPS बन चुका है, अब जिसका नहीं बना है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी का बन चुका है अब उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि NPS लाइफ में एक ही बार बनता है, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके NPS अकाउंट बनता है। अब जैसे ही पैन कार्ड और आधार कार्ड आपका जो है एंट्री करेंगे, आपका डिटेल्स आ जाएगा NPS अकाउंट में। तो तब आपको, जब मान लीजिए NPS अकाउंट, देखिए एक्चुअली ज्वाइनिंग जिस दिन होता है NPS अकाउंट, लगभग एक हफ्ता किसी किसी डिपार्टमेंट में जो है एक दो महीने बाद बनता है, और अटेस्टेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग सेक्शन करता है, NPS के लिए जो क्लर्क वगैरह होता है वो अलग सेक्शन का होता है। तो जब मान लीजिए आपको NPS के लिए पूछा जाएगा कि भाई NPS के लिए आपका डॉक्यूमेंट्स दो, तब आप बोल देना कि भाई मेरा NPS अकाउंट ऑलरेडी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपके NPS अकाउंट कहाँ से बना था, तो आप बोल देना कि RRBB से। अगर तब देखिए उसके पास, तब तो ऐसा नहीं कि उसके पास अटेस्टेशन फॉर्म होगा, अटेस्टेशन फॉर्म आपका फाइल बन के दूसरे जगह पर चला जाता है, तो उसमें तो वो तो क्रॉस वेरीफाई नहीं करेगा। और मान लीजिए कि क्रॉस वेरीफाई करे, मान लीजिए कि अटेस्टेशन फॉर्म जिन्होंने देखा था वही बंदा जो है आपका NPS अकाउंट कर रहे हैं, तब हो सकता है कि आपसे वो पूछे कि भाई आपने तो अटेस्टेशन, हालांकि उतना याद नहीं रहेगा कि अटेस्टेशन फॉर्म में आपने क्या लिखा था, लेकिन अगर अटेस्टेशन फॉर्म में उसको याद आ गया कि हाँ चलो आपने तो वहाँ पर फिल नहीं किया था कि आप RRB में जॉब करते थे, तो तब आपसे पूछ सकते हैं। तो तब आप पूरी मैटर उसको बोल देना कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट में जाने के बाद छोटा जो प्रॉब्लम होता है, छोटा मोटा प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो जाता है। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पर फिल कर दिया सब कुछ डिटेल्स कि हाँ मैंने इतने इतने साल से जॉब किया, मैंने किस लिए मैं छोड़ रहा हूँ अपने डिटेल्स दे दिया, अब आपके पास NOC नहीं है, तब क्या होगा, आप लोग ज्वाइनिंग से पहले आपसे NOC मांगेंगे। ज्वाइनिंग जिस दिन करेंगे उस दिन आपका, जब तक आप ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक आप डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है, तो वो लोग आपसे बोलेंगे कि भाई NOC लाओ, आप NOC नहीं होगा तो प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि हो सके तो भाई आप जो है इसको आप नहीं लिखेंगे, तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। तो आप, मैं फिर भी बोलूँगा, आप जो सीनियर वगैरह है उससे भी एक बार बात कर सकते हैं कि इसमें क्या किया जाए, क्योंकि देखिए NOC का रूल से यहाँ पर अभी देखिए, हालांकि मेन से नहीं है लेकिन रूल से कि अगर आप यहाँ पर डिटेल्स देंगे तो इसी अटेस्टेशन फॉर्म के साथ ही NOC देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर मेन से नहीं है, तो अटेस्टेशन फॉर्म के साथ अगर नहीं देंगे तब भी चलेगा, लेकिन आप ज्वाइनिंग के टाइम जरूर लगेगा आपको NOC, अगर नहीं देंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। और मान लीजिए ज्वाइनिंग के बाद अगर प्रॉब्लम आता है तब आप सब कुछ बोल देना, और आपका रिजाइन का जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा सब कुछ उसको शो कर देना। अब कोई स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा मत करना कि भाई RRB को रिजाइन ना, मतलब रिजाइन देने बिना ही जो है आप CPW ज्वाइन करके, ऐसा बिल्कुल मत करना, तब आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा, केस हो जाएगा। पहले रिजाइन मानना, उसके बाद ही आ जाना, चाहे आपका बॉन्ड प्राइस जो है, जो पैसा वगैरह लग रहा है सब कुछ दे दीजिएगा, तब भी चलेगा, लेकिन ऐसा मत करना कि वहाँ पर आके भाग भाग चले आए और उसके बाद आपने CPW ज्वाइन किया, भाई पकड़े जाओगे, और पकड़े जाओगे तो पूरा केस जाएगा और पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, रिजाइन मार के आना। चलिए, पॉइंट आपको, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा।
तो जो फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बोला डेट, यहाँ पर आपका जो डिजिग्नेशन वगैरह है, आपका एड्रेस वगैरह ऑफिस का, और यहाँ पर किस कारण से आपने छोड़ा है वो भी यहाँ पर डालना है। जैसे ग्रेड पे हो गया या वर्कलोड हो गया, प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो गया, जो भी आपका है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादातर जो है एरेस्टेड वगैरह पुलिस या कोर्ट का चक्कर है, तो हालांकि सबका यहाँ पर आंसर नो होता है, तो ऐसे करके येस को आप क्रॉस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर येस और नो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जो भी है आप यहां पर लिख देना, देख करके आप देख लीजिएगा। अब नीचे देखिए यहाँ पर आपको लिखा है नेम ऑफ टू रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंस टू हुम यू आर नोन, तो दो आदमी का नाम यहाँ पर डालना है जो आपका पड़ोसी में रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपके घर वालों के नाम आप डाल दीजिएगा, आपके पड़ोसी में जो है उसका नाम डाल दीजिएगा, रिलेटिव होगा तब भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर वगैरह करना है, उसके बाद जो है आपको डेट वगैरह डालना है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हाँ मैं सब कुछ जो है आपका सही सही दे रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला एक्चुअली मेडिकल नहीं है, एक्चुअली डिक्लेरेशन फॉर्म है, जो कि मेडिकल की रिलेटेड डिक्लेरेशन फॉर्म है। देखिए यहाँ पर एक तो आपको फोटो जो है पेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका नेम, यहाँ पर भी ब्लॉक लेटर है, और उसके बाद स्टेट योर एज, आपका जो भी उम्र है, और प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है। उसके बाद देखिए सब कुछ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए हैव यू एवर हैड स्मॉल पॉक्स वगैरह आपके हुआ है या नहीं, अदर्स फीवर जैसे टाइफाइड वगैरह हो गया, ये तो नॉर्मल सी बात है होता है, लेकिन फिर भी आप लिख देना कि नो। हाँ एनलार्जमेंट हो गया, सस्पेंशन ऑफ ग्लैंड्स, मतलब ग्लैंड जो है उसका छोटा, मतलब छोटा कभी हुआ हो गया है, कभी मोटा हो गया है, ऐसा कुछ हुआ है नहीं, तो देख लेना एक बार। अस्थमा हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, लंग्स डिजीज हो गया, अगर है तो भाई आप मेंशन जरूर करना, अगर नहीं है तो डॉक्टर साहब आपको बोल देंगे कि भाई कुछ नहीं है, आपको ट्रीटमेंट करके यहाँ पर नो लिख देंगे। उसके बाद देखिए वैक्सीन आपने कब किया है, अगर आपने कोविड-19 का वैक्सीन अभी अभी लिया है तो डेट मेंशन कर देना कि हाँ अभी कोविड-19 लिया है, अगर मेंशन नहीं है तो इन चाइल्डहुड लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हैव यू और एनी ऑफ योर नियर रिलेशन बीन इफेक्टेड विथ, जो है देखिए गाउट्स वगैरह है, अस्थमा है, आप देख लीजिएगा। आप इसमें ज़्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन सबका आंसर नो ही होता है, क्योंकि ये सब तो ज़्यादा नहीं होता है, अगर है तब तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद नर्वसनेस के कारण आपको वर्कलोड, सॉरी वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण आपको नर्वसनेस फीलिंग होता है नहीं, नो कर देना। 3 साल के अंदर आपको किसी मेडिकल ऑफिसर ने या मेडिकल बोर्ड में गवर्नमेंट सर्विस के लिए आपको रिजेक्ट वगैरह किया है, या आपको जो है टेम्पोरी आपको रिजेक्शन मिला है या नहीं, तो यहाँ पर आपको डालना है। अगर येस है तो येस, अगर नो है तो ना डालना है, अनफिट वगैरह अगर कभी आपने हुए थे तो। अब ये जो है मेडिकल सर्टिफिकेट, इसी को कहा जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट हो रहा है कि भाई मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना होगा, मैं पहले क्लियर करना चाहूँगा। देखिए अभी करेंटली आप जहाँ पर रेसिडेंस है तो वहाँ से बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप जो है परमानेंट एड्रेस पे बनाना पड़ेगा। अभी जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ से उसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो सिविल सर्जन होता है, जो सर्जन होता है, जो CMO होता है, मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, उसी से आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो है गवर्नमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाएंगे आप और प्राइवेट डॉक्टर से बना लेंगे, ऐसा नहीं, गवर्नमेंट जो है डॉक्टर होना चाहिए। यहाँ पर आपका नाम होगा एक्सेप्ट, अगर कुछ नहीं है आपके पूरा फिट है तो या तो डॉक्टर लिखेगा फिट, ये डॉक्टर के ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ, नहीं तो नॉर्मल, नहीं तो आपका नील, ये 3 लिख सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस है तो कलर ब्लाइंडनेस लिखेगा यहाँ पर एक्चुअली। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ, हालांकि यहाँ पर मेंशन नहीं है कि अटेस्टेड वगैरह करना पड़ेगा, लेकिन फोटो में ज़रूर अटेस्टेड कर लेना, यहाँ पर फोटो चिपका के डॉक्टर सबको बोलना, यहाँ पर एक सील मार के यहाँ पर साइन कर दीजिए। उसके बाद जो है सिग्नेचर ऑफ सिविल सर्जन, देखिए सिविल सर्जन वही होता है जैसे बोल रहा हूँ हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, तो वहाँ पर जाइए आपको पता चल जाएगा सिविल सर्जन कौन है, किससे बनाना होगा, CMO सिविल सर्जन सब कुछ जो है एक ही होता है, तो वहाँ से बना लीजिए। आपका सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर करना होगा तो देख लीजिएगा। अब देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट या आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है, किससे साइन कर सकते हैं, गैजेटेड ऑफिसर जो ग्रुप ए का ऑफिसर होता है, गैजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का है चल जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि MLA MP से भी चल जाएगा, उसके बाद SDO चलेगा, उसके बाद जो है तहसीलदार जो SDO रैंक का ही होता है, मैजिस्ट्रेट रैंक का होता है, उसके बाद प्रिंसिपल या हेडमास्टर जहाँ पर आपने लास्ट स्टडी किया है, मतलब आपका जो BTech में आपने जहाँ जो प्रिंसिपल था उससे आप साइन करवा सकते हैं, पोस्ट मास्टर, BDO और पंचायत इंस्पेक्टर, इसमें से किसी से भी आप जो है साइन करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यही आपका ऑफिसर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपका नाम होगा, यहाँ पर आपका पिताजी का नाम होगा, यहाँ पर आपका 3 इयर्स होना चाहिए, 3 इयर्स, और यहाँ पर
मान लीजिए टू या थ्री जो भी है, मंथ से कोई आता जाता नहीं है, लेकिन यहाँ पर थ्री ईयर्स लिख देना। उसके बाद जो है सिग्नेचर, सिग्नेचर यहाँ पर उसी ऑफिसर का होगा, आपका नहीं। और यहाँ पर डिजिग्नेशन और आपका स्टैम्प वगैरह यहाँ पर डालना होगा, डेट और यहाँ पर प्लेस। और ए वाला पोर्शन जो नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये आपका काम की नहीं है, ये ऑफिस वर्क होगा, मतलब ऑफिस में ये सब काम करेंगे। अब ये वाला डिक्लेरेशन और एक देना पड़ेगा, देखिए आपका नाम यहाँ पर, अगर आप मैरिड है सॉरी अनमैरिड है तो बस बाकी लाइन को ऐसे ऐसे करके देखिए पूरा ऐसे ऐसे कीजिएगा, पूरा क्रॉस मत कीजिएगा, ऐसे ऐसे करके क्रॉस कर देना, मतलब अच्छा दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि गंदा दिखेगा, ऐसे ऐसे करके क्रॉस कर देना ऐसे ऐसे। और अगर मैरिड है तो जो जो पॉइंट आपको लगेगा भाई आप देख लेना, अगर मैरिड है तो आप एक एक पॉइंट पढ़ लेना। और यहाँ पर सिग्नेचर, आपका कैपिटल नेम और डेट एंड प्लेस, देखिए जहाँ पर भी नेम बोलेगा आप कैपिटल में लिखना, और सिग्नेचर जो है वो रनिंग हैंड में जैसे स्मॉल में लिखते हैं, जैसे सिग्नेचर होता है वैसे ही करना। उसके बाद ए वाला जो है, ए वाला जो एक से ज़्यादा जिसका वाइप वगैरह है उसके लिए है, तो आपके कोई काम की नहीं है। तो अगर आपका कोई काम का नहीं है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ऐसे ऐसे करके लिख देना, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करके लिख देना, नहीं तो ब्लैंक भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब बात करेंगे आपका पोस्ट प्रिफरेंस के बारे, सॉरी जोन प्रिफरेंस के बारे में। देखिए जोन प्रिफरेंस की डेट यहाँ पर आपका 26/2/2021 डालना है, क्योंकि 26/2/2021 को ये फॉर्म जारी हुआ था। और यहाँ पर नॉर्थ जोन का सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है, मतलब जो आपको जोन पसंद है वहाँ पर डालना है, एक दो करके, जैसे मान लीजिए नॉर्थ एक, उसके बाद ईस्ट वेस्टर्न दो, उसके बाद ईस्ट तीन, और आपका साउथ हो गया चार, ऐसे करके आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपका नेम, सॉरी आपका सिग्नेचर, उसके बाद नेम। अब देखिए रोल नंबर, एसएससी वाला रोल नंबर, रैंक भाई सीपीडब्ल्यू वाला रैंक नहीं है, सिविल वाला रैंक बिल्कुल नहीं है, ऑल इंडिया रैंक ऐसे करके लिखना है, जैसे एसएससी का रिजल्ट में है सीरियल नंबर मान लीजिए 001 जो आपका है ऐसे करके आपको लिखना है, तो लिख देना। और उसके बाद जो है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आप लोग ज़रूर फिल कर देना। अब बात आता है कुछ, मैं यहाँ पर बताऊँगा कि कौन सी जोन बेहतर है, तो चलिए मैं तुरंत आपको दिखाता हूँ ईस्टर्न जोन का, बात यहाँ पर मैं थोड़ा सा करूँगा। चलिए एक बात और यहाँ पर दिखा देता हूँ, चलिए एक बार आपको पता नहीं होगा कि भाई कितना फॉर्म कौन सी आपको भेजना है। देखिए सब कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो मेंशन है यही वाला भेजना है। और एटेस्टेशन फॉर्म, देखिए एटेस्टेशन फॉर्म आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए आपको दिखाता हूँ, चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है और आपका यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, मतलब आइडेंटिटी सर्टिफिकेट से पहले जो है यहाँ पर आपका ख़त्म हो रहा है। तो यही चार पेज आपको, चार कॉपी आपको, चार सेट आपको भेजना होगा, तो ज़रूर आपको ध्यान रखिएगा। और ये दो पेज भेजने की ज़रूरत नहीं है, दो वाला पेज जो है आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ऑफिस का कुछ एड्रेस आपको दिखा देता हूँ एक बार, जो ईस्टर्न जोन से है, एक बार ऑफिस का एड्रेस आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ऑफिस का एड्रेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोलकाता में है आपका ऑफिस, देखिए उसके बाद सिलीगुड़ी में है, उसके बाद आप देख सकते हैं सिलीगुड़ी, ए वाला भी सिलीगुड़ी है, कृष्णनगर में है जो कि देखिए बॉर्डर एरिया में है यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद जो है देख सकते हैं आपका यहाँ पर भी आपका सिलीगुड़ी में है, ज़्यादातर सिलीगुड़ी में ऑफिस है, कोलकाता में है, मालदा में है, मतलब आपका जो एक्चुअली वेस्ट बंगाल को जो है आसाम और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर का एरिया ऐसा माना जाता है, मुर्शिदाबाद में है। आप मैप में देख लेना, एक एक करके मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप जो है थोड़ा सा पॉज करके आप लोग देख लेना, मैं क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो गया है, तो आप लोग एक एक करके देख लेना। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई कौन सी सिटी अच्छा होगा, देखिए साउथ और ईस्टर्न में अगर कंपेयर करने के लिए कहेंगे, मैं मेरा ओपिनियन बोल रहा हूँ साउथ ज़्यादा, अगर डेवलपमेंट की बात करें, हालांकि बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन डेवलपमेंट साउथ ज़्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न, तो साउथ अब पहले प्रीफर कर सकते हैं। अब दिक्कत दोनों जगह पे है, साउथ में हो सकता है लैंग्वेज और खाने का प्रॉब्लम है, ईस्टर्न में भी आपका लैंग्वेज का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि देखिए बंगाल में आपका बंगाली ज़्यादा चलता है, हिंदी सब लोग जो है उतना समझ पाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं सब लोग। आपका नॉर्थ ईस्ट में भी सेम प्रॉब्लम है कि हिंदी उतना नहीं चलता है, तो वहाँ पर भी खाने का प्रॉब्लम हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन का आपका नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, लेकिन आपका साउथ में ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट सिटी जो है अच्छा है, क्वार्टर वगैरह आपको नॉर्थ ईस्ट में सब जगह पर अवेलेबल नहीं होगा, आपको गुवाहाटी
हो गया, आपका गैंगटॉक हो गया, आपका अगरतला हो गया, और आपका मेघालय में मिलेगा, बाकी जगह पे नहीं मिलेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपके ऊपर है कि आप लोग क्या करेंगे, बस मैं आपको कंपेयर कर सकता हूँ। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, यहीं पर ही वाइंड अप करेंगे। उम्मीद है आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया है। अभी भी अगर डाउट है तो आप जो है ग्रुप में मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।